हेलो फ्रेंड्स, क्या स्वाद है फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे गर्मियों में बनने वाली हरियाणा की स्पेशल डिश राबड़ी। फ्रेंड्स, राबड़ी बनाने के लिए हमने ली है लगभग 1 लीटर के करीब खट्टी लस्सी, 1 कटोरी आटा और आधा कटोरी बेसन और ये नमक स्वाद अनुसार। अब हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे और उसमें आटा और बेसन दोनों डाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी लस्सी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमें इसका बिल्कुल पतला पेस्ट बनाना है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ी थोड़ी लस्सी ऐड करते जाएंगे और इसका बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रह जाए। और इस तरह से अब हम इसमें सारी लस्सी डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसका बिल्कुल पतला घोल बना लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और नमक को भी इस घोल में हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। देखिए, 15 मिनट के बाद अब हम इसे एक बार चला लेंगे और एक पैन में इसको डालकर गैस पर रख देंगे। अब हमने जो घोल बनाया है उसका दुगना पानी इसमें डाल देंगे क्योंकि इसका घोल हम बिल्कुल पतला रखेंगे, जैसे हम कढ़ी के लिए रखते हैं। देखिए, हमें इसका घोल इतना पतला रखना है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि बहुत जल्दी तली पर चिपकती है, इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ना और लगातार चलाते रहना है। हम गैस को मीडियम रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इसको हम बिल्कुल तली से चलाते हुए घुमाएंगे। लगभग हमें राबड़ी को 45 मिनट तक पकाना है, वरना ये कच्ची रह जाती है। देखिए, राबड़ी पक चुकी है। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए, ठंडा होने के बाद अब हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। बाउल में डालने के बाद अब हम इसमें दूध या लस्सी जो आपका मन करे वो ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। अब इसमें हम थोड़े से आइस क्यूब डाल देंगे क्योंकि ये ठंडी अच्छी लगती है। अब हम इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देंगे। फ्रेंड्स, जो राबड़ी है वो बिल्कुल गर्मियों में दिमाग को ठंडा रखती है और हमें लू से बचाती है। ये देखिए, हमारी राबड़ी तैयार हो गई है। जब भी आपका मन करे गर्मियों में इसे जरूर ट्राई करें।